हेलो गाइज, वेलकम बैक माई चैनल भारतीय विचार। विष्णु आर पुंगलिया आईपीओ का आज लिस्टिंग रेट था। आज है 165 पर लिस्टिंग हुई है। इसकी प्राइस रेंज 94 से 99 रुपये इसका प्राइस रेंज तय किया गया था, यानी कि लोअर जो बैंड था वो 94 रुपये का था और अपर बैंड 99 रुपये का था। जितने लोगों का स्क्यूट 99 रुपये पर हुआ होगा अपर बैंड पर, उन्हें लगभग 66% का प्रॉफिट हुआ, 66.5% का प्रॉफिट हुआ, 66.66%, यानी कि लगभग 66.5% का प्रॉफिट हुआ है। जितने लोगों ने एक लॉट परचेज किया होगा, एक लॉट में 150 शेयर मिले थे, 150 शेयर मिले थे, तो लगभग यहाँ पर जो प्रॉफिट देखने के लिए मिला है पर लॉट प्रॉफिट 9,900 रुपये का यहाँ पर लॉट प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 15,000 के इन्वेस्टमेंट में लगभग 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 66.5% का प्रॉफिट हुआ है। बहुत ही शानदार यहाँ पर प्रॉफिट दिया है। जितने लोगों का आईपीओ का यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ होगा वो मालामाल हो गए। बहुत ही जबरदस्त का रिटर्न था। इसमें मेरा आईपीओ मेरा अलॉटमेंट नहीं हुआ था, मेरा अलॉटमेंट रिजेक्ट कर दिया गया था, बट जिनका भी यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ होगा बहुत ही जबरदस्त का मुनाफा देखने के लिए मिला होगा। अभी लोगों के मन में सवाल है कि क्या हमें लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए, यदि होल्ड करना चाहिए तो कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। आज इसका ओपनिंग डेट है, आज इसकी लिस्टिंग डेट है, तो इसकी जो जितने लोग यहाँ पर इसका जो बिजनेस मॉडल था बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल था, बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत ही अच्छा वर्क है, तो नो डाउट इसमें लंबे समय में होल्ड करने के लिए इसमें कोई हमें खतरा है या फिर नुकसान हमें उठाना पड़ सकते नहीं। आने वाले समय में इसमें एक अच्छा तेजी देखने के लिए मिलेगा, एक बहुत ही जबरदस्त का रिटर्न और देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी हम लोग का क्या प्लान होना चाहिए, हम लोग को कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होना चाहिए। अभी यहाँ पर लगभग 66.5% का प्रॉफिट दे चुका है, तो हम लोग 0.5% जहाँ पर प्रॉफिट हो रही है, यानी कि 30-32% के प्रॉफिट पर हम लोग यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, ताकि अगर ये हमारे अगेंस्ट चला भी जाता है तो हम लोग 50% प्रॉफिट यहाँ पर बचा सकें, यानी कि 10,000 में 5,000 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए। तो हम लोग को स्टॉप लॉस जो ट्रेल हो जाना चाहिए 130 के पास में, हम लोग का स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाना चाहिए, ये हमारी स्टॉप लॉस पॉइंट होना चाहिए। अगर 130 को ब्रेक कर जाती तो फिर हम लोग अपना 100% क्वांटिटी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस 130 का बनता है। मेरा यहाँ पर इस आईपीओ में मेरा अलॉटमेंट नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ पर दिखा पाती कि मैं कहाँ पे होल्ड कर रही हूँ, कितना पॉइंट यहाँ पर मैं बुक की हूँ। यहाँ पर अगर मेरा अलॉटमेंट होता तो मैं लगभग 80 क्वांटिटी यहाँ पर शेयर निकाल देती हूँ, 60-70 क्वांटिटी मैं यहाँ पर होल्ड करती, वो भी 0.5% प्रॉफिट लॉक करके, यानी कि 130 पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाता। आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए एंड आईपीओ से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ का आज दूसरा दिन है सब्सक्रिप्शन का। चलिए इसका हिस्ट्री देखते हैं कि कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है इसमें। इसमें टोटल सब्सक्रिप्शन लगभग 22 टाइम्स इसका सब्सक्रिप्शन हो चुका है, 21.92 टाइम्स इसका सब्सक्रिप्शन हो चुका है। यहाँ पर देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल में 4.21 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर में 42.32 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है, और यहाँ पर BNII में 35.56 टाइम और SNII में 55.86 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल कैटेगरी बहुत ही शानदार भरा है, 23.29 टाइम इसका सब्सक्रिप्शन हुआ है। कल लगभग 5 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ था, बट आज इसका सब्सक्रिप्शन में बहुत ही ज्यादा तेजी देखने के लिए मिला है, 21.92 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिल रहा है। अभी इसकी हम लोग जीएमपी की बात करें तो इसकी जीएमपी भी बहुत ही अच्छा चल रही है। इसका डे वन में सब्सक्रिप्शन जो बना हुआ था, डे वन में 5.88 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ था और डे टू में 21.92 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। इसकी जीएमपी भी बहुत ही जबरदस्त जीएमपी चल रही है, इसकी जीएमपी देख सकते हैं। इसके जीएमपी में 50 रुपये था जीएमपी, 2 सितंबर का 50 रुपये था, 3 तारीख से इसकी जो जीएमपी चल रही है 48 रुपये चल रही है, 48 रुपये पर शेयर इसकी जीएमपी
एमपी चल रही है, तो इसमें भी नो डाउट लगभग 50% का अभी भी मुनाफा मिल रही है। अनलिस्टेड मार्केट में ये लगभग 146 रुपये पर ट्रेड कर रही है और जो प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है 48.98%, यानी कि हम लोग मोटा मोटा इसको पकड़ के चले तो 50% का मुनाफा यहाँ पर भी मिल रही है इसमें भी। तो ये भी बहुत ही शानदार आईपीओ रहेगा, अभी इसमें सब्सक्रिप्शन बाकी है, कल का सब्सक्रिप्शन देखने के बाद इसमें में भी जीएमपी में काफी अच्छा उछाल देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही शानदार रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।